गाइस, आई एम समीर खान फ्रॉम भोपाल भोपाल रिस्टोरेशन। और इस वीडियो को आगे बढ़ाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि जो चीज़ मैं इस गाड़ी में दिखाने वाला हूँ, सबसे पहली चीज़ तो है भाई इसकी चाबी ऑन करें। अब आप इंडिकेटर दें, उधर वाला भी दें। उसके बाद अब आप इस गाड़ी के अंदर ये नीचे की तरफ सेक्शन देखें, यहाँ पे भी फुल लाइटिंग है। उसके अलावा अब हम आते हैं पीछे की तरफ, यहाँ से भी बड़ी गजब की दिख रही होगी। साथ ही साथ गाड़ी में टोटल ऑल प्लेटिंग बिल्कुल ज़बरदस्त। गाड़ी में सेल्फ स्टार्ट करें आप। अब ये आपकी हीरो होंडा डबल एस सेल्फ स्टार्ट में आपकी नज़रों के सामने विद क्रिस्टल लाइट एंड एलईडी। उसके बाद यहाँ पे 72 स्पोक 50mm टायर, उसके बाद डिस्क ब्रेक के साथ, और यहाँ पे आपकी गाड़ी का साउंड। सबसे पहले ये साउंड सुन सकते हैं आप। और उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे ब्लैक कोबरा शेड मल्टी कलर में, बहुत ही गजब का ओरिजिनल मोनोग्राम लगे हैं कंपनी के। ये जो भी भाई जानकार है इसको देख ले। उसके बाद जलेबी वाले साइड गिलास, मीटर ओरिजिनल है। यहाँ पे आरपीएम मीटर भी लगा हुआ है, एक बार रेस दीजिए। ये भी आपको नज़र आ रहा होगा भाई। अब आप साइड स्टैंड पे थोड़ी गाड़ी खड़ी कर दें, यहीं पे लगा दें, बंद कर दीजिए आप गाड़ी को। तो शुरू से शुरू करता हूँ। ओरिजिनल 4S चैम्पियन का साइलेंसर जो डबल एस में भी आता है, बैंड पाइप छोटे बड़े का फ़र्क होता है। साथ ही साथ टोटल ऑल प्लेटिंग के अंदर रियर सस्पेंशन, उसके बाद रोलको का ग्रीपर यहाँ पे डला हुआ है, 72 स्पोक टोटल ऑल प्लेटिंग, ओरिजिनल रियर मडगार्ड, ब्रेक लाइट, कैरियल, डबल टेपर सीट, उसके बाद ब्लैक कोबरा शेड जो आपकी पसंद है। और साथ ही साथ गाड़ी के अंदर यहाँ पे फ्रंट की तरफ अगर आप आएंगे तो यहाँ पे 17 के टायर हैं 50mm के अंदर विद डिस्क ब्रेक टोटल ऑल प्लेटिंग में। फ्रंट के अंदर जो नंबर प्लेट लगी है वो भी ओरिजिनल लगी है। यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो हॉर्न भी ओरिजिनल लगा हुआ है, एलईडी में लाइट लगी हुई है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लेग गार्ड भी कंपनी फिटेड है टोटल ऑल प्लेटिंग के अंदर, गाड़ी के अंदर पूरा इंजन के अंदर सेल्फ और प्लस बफिंग और इंजन में क्रोम। और यहाँ पे वी रॉडे भी आपको क्रोम में नज़र आएंगी, साड़ी गार्ड भी उसी चीज़ में नज़र आएगा। यहाँ पे भी हम क्रोम कर सकते थे लेकिन हमने साइड स्टैंड पे इसलिए नहीं करा, बार बार यूज़ होता है, ख़राब होना ही है 100%। अब आपकी नज़रों के सामने ये नायाब नगीना मैं लेकर आया हूँ। अगर आपको वाकई इस गाड़ी के अंदर कोई भी काम पसंद आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में आगे बता सकते हैं। लव यू भोपाल ज़रूर लिखना। बाकी जो भी चीज़ आपकी नज़रों के सामने लेकर आया हूँ, दिल गार्डन गार्डन हो गया होगा। एक बार आप अपनी गाड़ी पे चलिए, पहले तो आप ये बताओ आपका नाम क्या है? रियाज नाम है मेरा। रियाज भाई, इस गाड़ी को रिस्टोरेशन के लिए कब छोड़ के गए थे? दो महीने पहले। और इस गाड़ी को कंप्लीट होने में 2 महीने क्यों लगे आप बता सकते हैं? क्यों? इस गाड़ी में जैसे जो जो वर्क आपने मुझे बताया था वो सारा वर्क हो गया आपकी मर्जी के हिसाब से। 5 दिन पहले आए थे तब भी कोई कमी रह गई थी, उसको दोबारा से करवाया। अभी आपने इस गाड़ी को चला के चेक किया है, कोई कमी नज़र आ रही है? फुल सेटिस्फाई होना, मतलब काम करने के बाद इस गाड़ी में कोई कमी हो तो बोल सकते हो, क्लियर है ना? चलाने के बाद फिर लेकर आओगे, अगर कोई भी कमी नज़र आए आप आके 10 बार कराओगे, आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। और बाकी रही बात, ये बाइक आपकी नज़रों के सामने है, चारों तरफ से आप गाड़ी को देख सकते हैं। अगर कोई भी कमी आपको बाइक में नज़र आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। ये पूरी बाइक आपकी नज़रों के सामने हीरो होंडा CD100 डबल एस नहीं है, ओल्ड मॉडल गाड़ी है ये, मतलब जो मेड इन जापान आती थी वो है। और बनने के बाद आपकी नज़रों के सामने, काम पसंद आया हो तो लव यू भोपाल एक बार ज़रूर लिखना।